कैंसर होने के बाद आग की तरह फैली थी मुमताज के निधन की खबर। ऐसे दिया था जिंदा होने का सबूत। 60 और 70 के दशक में इस हीरोइन के जैसा कोई नहीं था। अपनी शर्मीली अदाओं, चुलबुली और नटखट अदाओं के साथ जब भी ये हीरोइन पर्दे पे आती तो लोग इसके कायल हो जाते। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस मुमताज की। मुमताज एक गरीब परिवार में पैदा हुई, जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतों का सामना किया, काफी संघर्ष भी किया। यही नहीं, सारी मुश्किलों से लड़ते हुए सबको पीछे छोड़ते हुए वो बन गई हिंदी सिनेमा की एक बेहद मशहूर अदाकारा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बुरा वक्त जब आता है तो सब तहस नहस कर डालता है। इस हीरोइन की जिंदगी में भी ऐसा बुरा वक्त आया जिसने सब बदल दिया और आज इस हीरोइन को पहचानना भी मुश्किल है। मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। खबर फैली कि मुमताज का देहांत हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखने वाली मुमताज ने 60 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन तकलीफों ने उनके घर का भी दरवाजा खटखटाया। मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, लेकिन कीमोथेरेपी से वो ठीक भी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से मुमताज को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा था। एक इंटरव्यू में मुमताज ने कैंसर के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं गंजी हो गई थी, मेरे पति विग लाते थे लेकिन मैं विग पहनना पसंद नहीं करती थी, उसकी जगह मैं स्कार्फ पहनती थी। इसके अलावा पिछले साल मुमताज के बारे में सोशल मीडिया पे आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। खबर फैली कि मुमताज का देहांत हो गया है, जिसके बाद उनकी बेटी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में मुमताज का वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने फैंस को बताया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, देखिए मैं जिंदा हूँ, मैं उतनी बूढ़ी नहीं हूँ जितना लोग बता रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुमताज स्वस्थ हैं और लंदन में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि मुमताज ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में छोटे मोटे रोल से ही की थी। उसी दौरान दारा सिंह के साथ बड़ी बड़ी हीरोइंस काम करने से डरती थी, लेकिन मुमताज ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया जिनमें से 10 फिल्में हिट हुई। राजेश खन्ना के साथ भी मुमताज की जोड़ी दर्शकों ने खूब पसंद की। मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ अपनी कसम, प्रेम कहानी, दो रास्ते, सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। हालांकि कम ही लोगों को पता है कि असल जिंदगी में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी बनते बनते रह गई थी। मुमताज शादी करना चाहती थी लेकिन राजेश को कुछ वक्त चाहिए था। फिर मुमताज ने साल 1974 में उद्योगपति मयूर मधवानी से शादी कर ली। मुमताज को आपने ज्यादातर फिल्मों में ऑरेंज साड़ी या सूट में डांस करते हुए देखा होगा, क्योंकि मुमताज का ऑरेंज कलर फेवरेट कलर है। यही वजह थी कि वो अपनी ज्यादातर फिल्मों में इसी कलर के आउटफिट्स में नजर आती। मुमताज का जादू आज भी उनके चाहने वालों पे चलता है, आज भी उनके दीवानों की कमी नहीं है। यही होता है कलाकार जो हमेशा लोगों के दिलों में रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।